नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर तेलंगाना हैदराबाद हयात नगर से है। मदर डेयरी चुनाव में 25,000 वोट पड़े। 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। 4 गुरु टीआरएस उम्मीदवारों की जीत। 2 महिला उम्मीदवारों ने सर्वसम्मति से भाजपा कांग्रेस पैनल ने टीआरएस पैनल को बुरी तरह से हराया। हयात नगर 28 सितंबर। खुफिया समाचार स्कूल अमूल मदर डेयरी के शासी निकाय के सदस्यों की आम बैठक मंगलवार को हयात नगर एसवी कन्वेंशन हॉल में हुई। 6 नए सदस्यों को शासी निकाय के लिए चुना गया। इस बीच में टीआरएस पैनल के उम्मीदवारों ने जोरदार जीत हासिल की। 306 सदस्यों में से 303 सदस्यों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। गुड़ू रुश्री धरेड्डी 255 वोट, जालंधर रेड्डी 243 वोट, चल्ला सुरेंदर रेड्डी 232 वोट और रचला सीनाथ सिहर रेड्डी 219 वोट विजेता बने। 2 महिला उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए। अन्य पैनल के उम्मीदवारों ने कहा कि सत्तारूढ़ मदर डेयरी शासक वर्ग के सदस्यों के चुनाव में टीआरएस पैनल की ठोस जीत बहुत संदेश पैदा करती है। उन पर आरोप था कि उनको दूध उत्पादकों की सरकारी समिति के सदस्यों का वह बहकाया। वे प्रत्येक वोट को 25,000 की खरीदा बिखेरे नकदी प्रवाह से सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत अनैतिक है। अध्यक्ष का चुनाव आज। नॉर्मल मदर डेयरी की शासी निकाय के अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को औपचारिक रूप से होगा। प्रत्येक वर्ष 3 सदस्य शासी निकाय से सेवानिवृत्त होते हैं। इसके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सदस्यों की जगह कोई नया सदस्य नियुक्त नहीं किया गया। इस साल नए सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव माध्यम से चुने गए, जिनमें से 2 महिला को सर्वसम्मति से चुना गया, जबकि अन्य 4 सदस्यों को मतपत्र द्वारा चुना गया। शासी निकाय का अध्यक्ष 15 सदस्यों में एक चुनाव करता है, जिसमें 9 पूर्व सदस्य और 6 वर्तमान में निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।